एवरी वन, वेलकम बैक विद अ न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे हो गए। तो गाइज, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम के 7 बजे। 7 बजे क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि हम लोगों ने सोचा था कि दिन में जाके अयान को ले आएंगे घर पे, बट अयान का फ़ोन आ गया कि मम्मा मेरे को नहीं आना वापस, मेरे को यहीं रहना है और मेरी छुट्टियां हैं। छुट्टियों में तो बच्चे माँ नानी के घर पे रहते हैं। उधर पीछे से उसका मामू भी यही करता रहता है कि इसका मन नहीं है आने का, इसका मन नहीं है। क्यों? मुझे पता है परी और काबू नहीं है तो उन लोगों का भी मन नहीं लग रहा, तो इस वजह से वो लोग उसको आने नहीं दे रहे। और अभी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि क्या हो रहा है। तो गाइस, डिनर में आज मैंने बनाई है कद्दू की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही यम्मी है, मैं खा चुकी हूँ। और ये इधर पीछे गए थे पेड़ों में पानी देने के लिए, है ना मिस्टर? कैसे हो आप? बस ठीक हो? बस ठीक ही हो, अच्छे नहीं हो? क्यों? सो के उठे हैं ये उसका सामान ले लो भाई, उसने गाड़ियां मंगवाई दोनों और उसने आने से वापस मना कर दिया। अरे वो बकवास करता है, एक दिन ठीक है। हाँ है ना, लेके आएंगे। हाँ लेके आएंगे हम उसको, ले चलो। फिर भी उसकी गाड़ियां रो रहा था, तोड़ दी क्या? हाँ ये ले चलो। और गाइज मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, कल जो दीदी के यहाँ से हम लोग लेके आए थे ना चीकू जो दिए थे उन्होंने, वो मैंने अपने लिए तो ये निकाल लिए, बाकी है ना तरबूज और चीकू दिए थे उसने ना, तो मैंने ये रख लिए, दो तरबूज और एक चीकू। और मम्मी की जो बर्फियां हैं वो भी रखी हुई हैं, तो ये भी अपने ले चलते हैं, मम्मी को दे देंगे, हमारी तो वो रखी हुई। तो गाइज़ घर से निकल चुके हैं और पहले जा रहे हैं पेट्रोल पंप पे। एक्चुअल में ना हमारी गाड़ी का पोल्यूशन जो है वो ख़त्म होने वाला है, तो गाड़ी का पोल्यूशन करवाना है, तो पहले चलते हैं पेट्रोल पंप पे, फिर चलेंगे घर पे आयु को लेने के लिए। राहुल को भी कुछ काम है इनसे, उसका फ़ोन आया था मेरे पास 5 बजे के करीब कि जिया जी से पूछ ले कि किस टाइम तक आएंगे, क्योंकि जिया जी ने मुझे कहा था सैटरडे या संडे को आके करके जाऊँगा जो भी उसका काम है वो, तो उसके लिए भी हमें जाना है। अभी पहले हम पेट्रोल पम्प चल रहे हैं ना। तो गाइज अमन दिख रहे होंगे आपको, वो गए हैं अपना प्रदूषण कराने, मतलब कि पॉल्यूशन कराने अपनी गाड़ी का। बनवा दिया? बन गया? चलो सही है, अब चलान तो नहीं कटेगा। किस में? इसमें रख दूं क्या फाइल में? पेपर्स में रख दो। इसमें रख देते हैं भाई। तो गाइज पहुंच गए मम्मी घर पे, उसका सामान लेके जा रही हूँ मैं। अब आप ना उसके रिएक्शंस देखना, अभी मैं दिखाऊंगी आप लोगों को कैसे बिहेव करता है वो, जब मैं कहूँगी ना चल अपने घर चलेंगे तब देखना कैसे बिहेव करेगा। सरप्राइज, मेरी टकली और मेरी टकली। ओए मारी पापा के टकली, तुझे मम्मा पापा की याद नहीं आती? नहीं आती? क्यों नहीं आती भाई? हम पागल हैं जो हम तेरी याद में मरते रहते हैं? हैं? ये कैसा बच्चा है मम्मी? मम्मी नमस्ते, कैसा बच्चा है ये? ये अपने टॉयज लेने से मतलब है, बस मिलना भी नहीं है इसको, इसको टॉयज से मतलब है, बस मिलने से कोई मतलब। हाँ हम तुझे अपने साथ लेकर जाएंगे तो लेकर जाएंगे, जाएगा तो जाएगा ही। ये क्या कर रखा है यहाँ ड्राइंग रूम में? ओ हम तो डिनर करके आए हैं। नहीं मैंने कद्दू की सब्जी बनाई थी, बढ़िया एक नंबर, मैं तो खाया ही है, जाके खाएंगे। हाँ भाई मेरी टकली, तुझे मम्मा अच्छी नहीं मिलना है क्या? मम्मा की याद नहीं आती है क्या? कैसा बच्चा है तू, अपनी मम्मा की याद नहीं आती तुझे? कैसा बच्चा है तू, है कैसा? अच्छा ठीक है सुनो, एक मिनट रुक जा, सुन पापा के पास बैठ एक बार। ये यूँ कह रहा है ना कि आज के बाद इसको हमारे से कोई मतलब नहीं है, तो अब हम कहीं घूमने जाएंगे तो ये हमारे साथ नहीं जाएगा, ठीक है? ठीक है, वीडियो में बोल रहा है तू ये बात? वीडियो में बोल रहा है तू ये बात? ठीक है पक्का? मम्मी पहले अपना वोट का साइन दिखा। वोट का साइन दिखाऊं? ये देखो वोट करके आई हूँ मैं ना। मम्मी इसको टीवी मत देखने दिया करो, पूरे दिन चश्मा लग जाएगा इसके। और एक बात और बताओ मेरे को, इसने रोटी क्यों नहीं खाई दोपहर में? दोपहर में वो खाली थी आइसक्रीम और जलेबी। तेरे ना चटाके टिकेंगे, चटाके, समझ में आ गई तेरी? समझ में आ गई? मम्मी ये आपकी दूसरी बेटी ने आपके लिए भेजे हैं। नहीं ये ऊपर वाला मेरा है, मैं लेके आई हूँ। ये उसने, ये तो आपने वो बर्फी मंगवाई थी ना जो, वो है फ्रिज में रख रखी थी मैंने, बाहर रख लेना थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएगी, अभी तो थोड़ी टाइट होगी। कुकर में ही मारेगा ये इस बॉल को, ठीक है? और उसने वो तरबूज और वो दिए हैं चीकू। अनु बोली मामी जी वो भी भेज दो, जो
राबड़ी मैंने मंगवा रखी, मैं तू परेशान हो गया। वो आएगी ना अब जब ले आएगी, क्या लेके आएगी, चीकू हैं कच्चे हैं अभी। मैंने पिछली बार मम्मी पन्नी बांध के धर दिए, बादाम खाया करो। ये मैंने आधे रख लिए इसमें से और एक तरबूज रख लिया मैंने, बाकी यही लिया मैम। तो एक तो मैंने सुबह अपनी उसको दे दिया रानी को। तो गाइज अभी बज गए हैं रात के 10:30, राहुल का काम करवाते करवाते इनको हो गया ये टाइम और हम लोग आ गए। हमारे साथ ये फंडी बच्चा भी आ गया, ये टकली आ गई, मैं मिरिंडा आ गई मेरे साथ में। मिरिंडा कह रहा तू पहले मुझे ये बता, ओ टकली तू तो मना कर रही थी कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं तो यहीं रहूंगा, अब कैसे आ गया अपने बेड की याद। भाई इतना फंडी बच्चा तो मैंने कोई नहीं देखा, अपने बेड की याद मेरे से भी कह रहा अपने बेड की याद आती है, अपना बेड तो अपना ही बेड है, झूठा इतना है 2 दिन से यहाँ पे। अब इसको मेरे को पता है इससे ज्यादा होता नहीं, थोड़ा बोर हो गया, बोर नहीं हो गया, इसको आदत है हग्गी करके सोने की। अब हम तो बड़े बड़े हो गए, हमने कभी बचपन में ही मम्मी की हग्गी नहीं करी, हम कहाँ से करेंगे, मम्मी को आदत नहीं है हग्गी करके सुलाने की। मम्मी कह रही इसकी मारी तो मैं ये उधर सो रहा हूँ तो मैं इधर आऊँ। एक बार शुरू जब इसने कही हग्गी करके इसने बोला मम्मी को मम्मी मुझे तो हग्गी करनी है। तो मम्मी पापा दोनों बोले जा कर ले बोरा बाथरूम। नहीं तेरी मम्मी उसको उठा के ले जाने, जब छोटा था ही, तो बहुत छोटा था, इसको शुरू से ही आदत है हग्गी करके सोने की। तो इसकी मम्मी बोली चल करवा दी तेरी, उन्हें लगा कि पॉटी करने जाना है इसको। तो अब मम्मी को हैबिट नहीं रही ऐसे हग करके सुलाने की। तो अब क्या है कि हम तो बचपन में भी कभी ऐसे नहीं सोए, अब क्या है कि मम्मी कह रही कि ये जिस साइड सोता है ना, अब ये मेरे ऊपर पैर रख के हाथ रख के, मैंने कहा मम्मी ऐसे ही सोता है, ये हमारे घर भी ऐसे ही सोता है। मम्मी कह रही मैं इसकी साइड से उठ के दूसरी साइड आऊँ कि चल ये सो लेगा, तो ये मेरे इतना डरपोक बना रखा मेरे से पहले आ ले इस साइड। मम्मी उधर क्यों चली गई आप? मम्मी कह रही तेरी वजह से तय करा, मैं अपनी मम्मा को भी ऐसी हग्गी करके सोता हूँ। पहले मम्मी इधर सो रही थी, फिर मैंने मम्मी को हग्गी किया, मम्मी ने कहा मुझे, फिर मम्मी इधर आई, फिर मैंने इधर भी हग्गी किया मम्मी को, फिर मम्मी दूसरे कमरे में चली गई। मम्मी को इतना चिका दिया कि मम्मी बेचारी उठ के दूसरे रूम में ही चली गई। मम्मी कह रही नींद ही नहीं आ रही, दोनों मामा भांजे, इतना पूरा बेड घेर रखा इन्होंने। तो गाइस घर आ गए हैं अभी और मैं इधर जमा रही हूँ दही, अमन को खाना बना के दे दिया है, वो खा रहे हैं खाना अपना। और क्या हुआ, घर आते ही ऊपर देखा तो ऊपर के एसी में लाइट नहीं आ रही थी, तो इसलिए ये दोनों बाप बेटे यहाँ शिफ्ट हो गए। मैं तो ऊपर ही सोऊंगी क्योंकि मुझे तो नींद नहीं आएगी यहाँ पे, ये दोनों बाप बेटे सोएंगे यहाँ पे, ये डिनर कर लेते हैं। पक्का आप नहीं आ रहे हो यान ऊपर मेरे साथ? प्रॉमिस देख लो फिर, आप करने क्या आए थे? आप तो मम्मा की वजह से आए थे घर पे, गर्मी लगी है। बेटा मम्मा इम्पोर्टेंट होती तो मम्मा के पास होता ना, पापा क्या झूठ नहीं बोलेंगे मम्मा। और ये चल रहा है भाई इधर इनका डिनर, और यहाँ पर मैं जमा देती हूँ दही, हो गया दूध गरम। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आप लोगों को देख के समझ में आ रहा होगा पीछे का बैकग्राउंड कि मैं आ चुकी हूँ मम्मी के घर पे। और वो किस लिए आई हूँ, क्योंकि मम्मी पापा को जाना था बुआ जी के यहाँ पे, बुआ जी जो है मेरी छोटी वाली, उनके फैमिली में किसी की डेथ हो गई है, किसी की क्या, उनके जेठ की डेथ हो गई है, तो वहाँ पर गए हैं मम्मी पापा। और इस वजह से मम्मी जब मैं रात को आई थी ना, तभी मम्मी ने बोल दिया था कि सुबह तू आ जाइयो, अयान को यहीं रहने दे, ये माना नहीं कि मैं तो जाऊँगा। तो मम्मी ने कहा था सुबह तू यहीं आ जाइयो क्योंकि हमें सुबह सुबह जल्दी जाना है। वो लोग चले गए थे 6 बजे, मैंने कहा था कि मैं काम वाम करवा के अपना फिर आऊँगी 9-9:30 बजे तक। तो अभी 9:30 हुए हैं, अमन हमें छोड़ के चले गए हैं, जस्ट अभी गए हैं, और ये टकली खेल रही है, ये खेल रही टकली अपने आप ही। और मैं बाल वाल धो के आ गई थी, मैंने कहा फिर वहाँ जाके ना, आजकल ना टंकी का पानी इतना गर्म हो जाता है, इतना गर्म हो जाता है कि बाद में फिर नहाया ही नहीं जाता। तो मैं नहा धो के आ गई, आके बस वो इनकी वाली जो मेड है शबीना जो है वो काम कर रही थी, उसके जाते ही मैंने सारा समेट वमेट के सब बंद बंद कर दिया क्योंकि बाहर से आती है बहुत ज़्यादा गर्मी। और दिखाती हूँ ब्रेकफास्ट के लिए क्या तैयारियाँ कर ली मैंने, क्योंकि मम्मी पापा को फ़ोन किया था
तो पापा अभी यूँ कह रहे थे कि बस निकल गए हैं यहाँ से, बस आते ही होंगे। तो मैं, इनका भूख लग रही होगी, सुबह सुबह जल्दी गए थे, तो मैं फटाफट से तैयारियाँ कर लेती हूँ ब्रेकफास्ट की, क्या बनाने वाले। हाँ बेटा बस आने वाले हैं, अभी पहुँचने वाले होंगे, पहुँचेंगे तो आधे घंटे में, यूँ कह रहे थे बस निकल गए यहाँ से। तो गाइज़ ये मैंने चीला बनाऊँगी सूजी और बेसन का, इसमें प्याज टमाटर हरी मिर्च सब मिक्स मसाले वसाले सब करके रख दिया, इसके बना देंगे चीले और फिर मम्मी पापा को खिला देंगे। तो गाइज़ मम्मी पापा आ चुके हैं और दोनों गए हैं नहाने के लिए, नहा धो के अच्छे से पसीने वसीने साफ हो जाएंगे, कपड़े वपड़े चेंज हो जाएंगे। गर्मी में तो भाई कहीं से भी आओ पहले नहाओ ताकि जो है थकान मिटे। मम्मी को मैंने कहा आप इधर राहुल वाले में नहा लो क्योंकि राहुल भी जिम चला गया, और पापा को मैंने कहा आप अपने वाले में नहा लो, दोनों फटाफट नहा के आ जाओ, गर्मा गर्म बना रही हूँ। बिल्कुल मैं बना रही हूँ चीला, जैसा कि आप लोगों को बताया था ये बन रहा है, पर इनका ये नॉनस्टिक वाला तवा है ना, पता नहीं मुझे तो नहीं समझ में आ रहा, नहीं तो कैसे बनाती है इसके ऊपर, मेरे तो सारे चीले चिपके जा रहे हैं। जो मेरे पास तवा है ना उसमें तो एक बार बैटर डालो और पलटो और वो नहीं चिपकता, इसमें तो मैंने घी भी लगा के देख लिया आयु ने, और मैंने तो टूटे फूटे खा लिए इनके आने से पहले। अब बड़ी मुश्किल से एक थोड़ा सा मोटा किया है कि ये ना चिपके उस हिसाब से, तो वो थोड़ा चिपका बट किसी तरह बन गया, दिखाती हूँ कैसा बना है। ये देखो गाइज ऐसा बना है, नहीं तो मैं अपने घर पे इतना बड़ा पूरा प्लेट जितना बड़ा बनाती हूँ और पूरा गोल बनाती हूँ, ये तो बहुत मुश्किल से बना पाई हूँ मैं। और ये है पालक का रायता। तो गाइज पापा आ चुके हैं नहा धो के और अब जो है थोड़े सही से सीख रहे हैं, चिपक रहे हैं सारे, बहुत मुश्किल से उतारने पड़ रहे हैं, अब तो सही सीख रहे हैं। कैसे नमक वमक सही है गाइज? पापा के चल रहे हैं इधर व्लॉग्स। और ये टिंडी सा है ना देखो, अभी दही दही और वो खाने में तो इसका इसकी जान निकल रही थी, अब लिमका पीने में नहीं निकल रही है। बढ़िया तो है पर मैं वो खिला रही चिल्ला, और ये जब तो कह रहा था भूख नहीं लग रही, इसकी तो मौज हो गई ये भी और दूसरी भी। अरे भाई मम्मी अब आ भी जाओ, फिर क्या फायदा हुआ गरम गरम बनाने का, कैसे आप मजे ले पाओगी, उठा पाओगी गरम गरम चीले के। ले आऊं, चलो बैठो। तो गाइस पापा तो खा के गए सोने, और ये हो गई मम्मी की प्लेट रेडी। रायता ही खाओगी ना? मैंने रायता डाल रखा है, या दही खाओगी हैं? लस्सी कहाँ है? अब ठंडी ठंडी पियोगी तो गला खराब है। अच्छा देख, नहीं पी तो किसी ने भी नहीं है, मैं देखती हूँ। गाइस ये देखो खींच के ले रही, अभी चीले खा के आई थी बाहर, अब देख पकड़ ली मैंने एक कटोरी में दो एक कटोरी में दो बर्फी है ले रही, और डिब्बा रखवा दिया यहाँ, वो रखा डिब्बा आयु से, वो रखा दे वो रखा ऊपर। कितना बदनाम करने पे दोनों बाण भाई, वो करते रहो मम्मी डिब्बो खा के करते रहे। तो मम्मी यार आप है ना ऐसे घबराओ मत, आप ऐसे बोलो मैंने ही तो मंगवाई है खाने के लिए, तो मंगवाई है मंगवाई तो मैंने, पर मैं के पूरा डिब्बा खाऊंगी। आप ऐसे बोलो खाऊंगी मैं तो, खाया हुआ ही लगेगा, जब खाओगी नहीं तो काम कहाँ से करोगी, हिम्मत चाहिए ना काम करने के लिए। तो ये एनर्जी है, ये एनर्जी है, तू भी खाया कर एनर्जी थोड़ी एनर्जी, सी तू भी ले लिया कर। ये एनर्जी नहीं है, ये जंक फूड होता है। जंक फूड नहीं होता बेटा, ये हेल्दी फूड होता है, ये तो जंक फूड होता है। सुनो जंक फूड मैं बताती हूँ, जंक फूड वो होता है जो आप ये बर्गर पिज्जा खाते हैं, हाँ ये जंक फूड होता है। तो ये भी प्योर, अरे बेटा वो तो प्योर मावा है, दूध से बनी हुई, तो हेल्दी चीज है, वो खानी चाहिए। उसमें मीठा भी तो है? नहीं हाँ अरे सुन लेना, जो मावा मीठा होता है ना वो ही मिठास है उसमें, बर्फी ये वाली। मम्मी वो सच में जी जी कह रही थी कि इन बर्फियों में वो मीठा कम मिलाते हैं, मिलाते ही नहीं है। तो स्वाद लगा, ये प्योर मावे की है, तभी तो वहाँ तो मंगवाई। और सस्ती कितनी है, रेट का अंतर देखो, मन कह रही इतनी सस्ती है, इसने कुछ और तो नहीं मिला रखा इसमें, 380 रुपए किलो, यहाँ 1200 रुपए किलो है जी, प्योर है बिल्कुल। और जिया जी उस दिन कह रहे यही बिजनेस कर लेते हैं फिर, यहाँ से गुड़गांव पहुँचा देते हैं।